Before starting the final session of this conference, we want to thank everyone for your time and patience. It was a matter of honor and privilege to have talks from various eminent scientists in the field of chemistry across India. All of you have given the new heights to this conference. Thank you very much. जी सर, आप मुझे बताया कि जो आज आपने पहलगाम में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना होगा सर? एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बेस्ड ऑन क्रिस्टल इंजीनियरिंग। हमारे इंडिया के एक बहुत ही मारूफ साइंटिस्ट प्रोफेसर देसी राजू, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया, जो एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए रही। सो हर एक पार्टिसिपेंट इसमें सेटिस्फाइड है एंड वी रिसीव्ड सो मेनी एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम डिफरेंट पब्लिशिंग हाउसेस फॉर कंडक्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस। इस तरह की हमने ये कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ पे करवाया। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि लाइक टू ब्रेक द आइस एंड हैव सच मीटिंग्स इन कॉन्फ्रेंस, सेंड द मैसेज टू द मेनलैंड दैट सच थिंग्स कैन हैपन इन कश्मीर, दे आर पॉसिबल। सेकेंड वॉज दैट लाइक टू हेल्प आवर ओन रिसर्च स्कॉलर्स एंड मास्टर्स स्टूडेंट्स, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी स्टिंग एट होम टू लाइक लिसन टू द top scientists of the country, of the world, and how science is moving. Actually, we learned a lot from this conference. It was alhamdulillah successful conference. ये जो थी दिस वॉज फ्रॉम आवर क्रिस्टल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्योंकि मैं भी क्रिस्टल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मुझे देखने को मिला कि ऑल ओवर इंडिया क्रिस्टल इंजीनियरिंग का काम किस किस पे होता है एंड जो हम काम करते हैं, कि मैंने देखा कि इट्स अ ब्रॉड, इट्स वेरी ब्रॉड। तो जो क्रिस्टल इंजीनियरिंग के जो मेन है, जैसे गौतम, प्रोफेसर गौतम देसी राजू, उनका आज तक हमने सिर्फ नाम सुना था, पर आज हमें इस कॉन्फ्रेंस से उनसे मौका मिला मिलने का, और उनने अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे जो है क्रिस्टल इंजीनियरिंग इंडिया में आया, कैसे जो है क्रिस्टल इंजीनियरिंग कितने वो हर्डल्स ऑब्स्टैकल्स से आज ये जो है इतना ब्लूम कर रहा है कि इसकी जो है थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुल हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आज थर्ड कॉन्फ्रेंस हमारी थी, लास्ट डे था, और सारे साइंटिस्ट ने शेयर किया अपना, उन्हें विजिट और स्टूडेंट्स ने, सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्हें पहला उनके दिमाग में था कि हम कश्मीर नहीं जाना चाहेंगे, मगर यहाँ आके, यहाँ स्टे करके और यहाँ पे दे सेड दैट वी, आज तक तो हमने कश्मीर का सुना था, बट आज वी फेल्ट दैट एंड दैट रियली अट्रैक्टेड आवर मतलब वो दिल को छू गई उनकी वो बात कि दे फेल्ट कश्मीरियत, और दैट मीन्स ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट कॉन्फ्रेंस, बट इन टर्म्स ऑफ एक मैसेज आ रही है कि कश्मीर में जो लोग हैं, दे कम एंड हैव देयर कश्मीरियत, हैव देयर ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी एंड एक्स्ट्रा। मेरा नाम प्रोफेसर मल्ला रेड्डी है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता से हूँ। सो आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देयर। सो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, ये क्रिस्टल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस है, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और आईसर कोलकाता केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बोथ टुगेदर वी हैव ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस। सो मेन रीजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस हियर इज दैट देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल हियर एंड वी हैव वेरी एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स हियर, दे ऑल वॉन्ट टू सक्सीड इन देयर कैरियर एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू टेक अप द रिसर्च। इफ यू लुक एट वाई रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट इन एनी सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट स्विट्जरलैंड और इनफेक एनी डेवलप्ड कंट्री, दे डू वेल, वेरी वेल, एंड दे ऑल्सो मैनेज द सोशल इश्यूज वेरी वेल वेन यू हैव वेरी गुड साइंस एंड वेन यू गो टू दैट लेवल, बिकॉज यू कैन हैव लॉट ऑफ कंपनीज और यू कैन हैव सोल्यूशन, यू कैन हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वॉट एवर यू नो, यू नीड टू हैव वेरी हाई साइंटिफिक टेम्पर इन द सोसाइटी। इफ यू हैव दैट you can do very well and you can solve all the problems and you can it will help the society very well in terms of the location, also in terms of the scientific content. We also have very very highly renowned scientists here speaking in the conference, and they were students benefited a lot from this conference. I'm Deepak from ICER Pune. So after coming to the conference, we realized that this conference has so many people in one room, so we can interact them and learn so many things from them, and we were expecting it, and in last
3 days, we have learned so many things regarding crystals and crystal engineering, and we thank all the organizers and Kashmir University for organizing it.